हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आपने कैबेज की सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा खाई होगी और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कैबेज के पकोड़े, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने फ्रेश कैबेज ली है, अब मैं इसे छोटा छोटा करके कट कर लूँगी। तो इस तरीके से छोटा छोटा करके मैंने कैबेज को कट कर लिया है। अब मैं इसे डाल दूँगी बाउल में। मैंने बाउल में ये सारी कैबेज निकाल ली है, तो अब हम इसमें डालते हैं पानी। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। क्योंकि कैबेज में पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हम अगर इसमें पानी और नमक डालेंगे तो इसका सारा पानी जो है, जो कैबेज के अंदर होता है, वो निकल जाएगा। और हम इसे अब 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। कैबेज को मैंने अभी नमक और पानी में थोड़ा सा घोल के रखा हुआ है, क्योंकि उसके पत्ते बहुत ज़्यादा कई बार हार्ड होते हैं। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा मैंने गर्म पानी भी उसमें मिला दिया है, ताकि थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएं। तो तब तक मैंने ये काट लिए हैं लंबे लंबे प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और ये है लहसुन। ये जो मिर्ची है और लहसुन है, आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक भी ले सकते हैं। इन दोनों को हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। और ये लिया है चावल का आटा जो उसमें डलेगा, और ये है बेसन, और ये लिया है मैंने धनिया, जिसको छोटा छोटा करके मैंने कट कर लिया है। अब हम लहसुन और मिर्च को दरदरा कूट लेते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब अपने हाथों की मदद से हम इसका सारा पानी ऐसे करके निचोड़ लेंगे। और एक बाउल में डाल देंगे। ऐसे करके अच्छे से आप इसका सारा पानी निचोड़ लें। तो देखो, मैंने इसका अच्छे से सारा पानी निकाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। और जो मैंने लहसुन और मिर्च को कोट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं सबसे पहले डाल रही हूँ नमक,
नमक हमने पहले भी इसमें डाला था, इसलिए आप देख के नमक डालें, थोड़ा सा कम डालें। मैं डालूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और डालूँ लाल कुटी हुई मिर्च पाउडर, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, और हम डालेंगे ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने इसको हल्का सा तरह घोट लिया था, तो ये डाल देते हैं हम धनिया पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, और मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन। बेसन मैंने डाले हैं 2-3 चम्मच, और इसमें ये मैं डाल दूंगी जो मैंने धनिया काट के रखा था। और अब फिर से इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इन सबको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम जो लास्ट में डालेंगे वो है चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और गैस ऑन कर दिया है। अब हम इनको तलेंगे। तो ये देखिए, हाथों की मदद से मैंने इसे गोल शेप दी है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये अब ये दो बन गए हैं, थोड़े थोड़े हो रहे हैं, और ये दो मैंने अब भी डाले हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बन रहे हैं, और ये बिल्कुल भी फैले नहीं हैं। और जब ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो समझ लेना ये पूरे तरीके से हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी? सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो कैबेज के पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा देखने में टेस्टी लग रहे हैं। ओके जी, बाय।